नेतृत्व का असा सूर सध्या आळवला जातोय। त्यासोबतच काही नेते काल उशिरा आले आणि त्यामुळे त्यांच्यासोबत विचार विनिमय झालेला नाही, त्यामुळेच आजचं अनावरण हे पुढे ढकलण्यात आले। 10:30 ची वेळ देण्यात आली होती लोगोच्या अनावरणासाठी, पण सध्या हे अनावरण पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। आणि या संदर्भात संजय राऊत यांचीही प्रतिक्रिया समोर आली आहे, पाहूया। त्याच्यावरती कोऑर्डिनेशन कमिटी, समन्वय समिती, इतर समित्या याच्यावर चर्चा होईल। 28 पक्षांचं ही इंडिया आघाडी आहे, त्याच्यामध्ये प्रत्येक पक्षाला सामून घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। त्याच्यामुळे समन्वयक, कन्व्हेनर, चेअरमन हे विषय येत नाहीत। आम्ही प्रत्येक जण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये या कमिटीच्या आम्ही काम करतो। याच्यावरती फार मुख्य, याच्यामध्ये एक मुख्य कोऑर्डिनेशन कमिटी, मुख्य समन्वय समिती आहे, याशिवाय एक रिसर्च कमिटी आहे, कॅम्पेन कमिटी आहे, अजेंडा अँड मॅनिफेस्टो म्हणजे जाहीरनामा कमिटी आहे, अशा अनेक समित्यांवरती आम्हाला आज त्याच्यावर चर्चा करायची आहे। आणि त्यामध्ये तो एक वर्किंग ग्रुप आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही प्रत्येक पक्षाला सामावून घेऊ। क्या होता है भाई, ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग जो अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं, तो वन नेशन तो वन है। क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है जो संविधान में संविधान ने हमको अधिकार दिया है, लोकसभा विधानसभा। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वॉन्ट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए लोग। और ये मुझे लगता है एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकलने के लिए। ये लोग चुनाव ही नहीं लेना चाहते। रामनाथ कोविंद जी के अंडर, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तो उनके तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं है सरकार ने। आप बेचारे रिटायर हो गए तो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है, ठीक है, देख लेंगे। सर, गठबंधन से डरे हुए इसलिए आपको लग रहा है? इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। आप देखो, आप देखिए, अब ये लोगों ने पार्लियामेंट सेशन स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या जरूरत है? जब सेशन चलता है तो प्रधानमंत्री आते नहीं, जब सेशन चलता है तो सरकार की तरफ से सेशन चलने नहीं देते। अब ये कौन सा अमृतकाल आया है नया सेशन, वो भी हमारे गणपति के सीजन में। महाराष्ट्र के साथ बहुत से राज्यों में हम गणपति का उत्सव त्यौहार मनाते हैं, ये सार्वजनिक त्यौहार है। तो हमको महाराष्ट्र को हमेशा 10 साल में जिस प्रकार की ये हमसे ये बर्ताव करते हैं, अब गणपति में सेशन, यानी महाराष्ट्र के सांसद वहाँ ना पहुँचे, हमारी बात नहीं रख पाए। गणपति के साथ भी ये छल है, कपट है। त्याच्यावरती मी जर आज आम्ही बरेच दिवस आतमध्ये आहोत, बाहेर काय चाललंय माहित नाही। मोदींच्या सरकारनं, आमच्या प्रधानमंत्री मोदींच्या सरकारनं काल एक नवा फुगा हवेत सोडलेला आहे। वन नेशन वन इलेक्शन, त्याच्या आधी एक निशान एक संविधान वगैरे विधान, काय झालं जम्मू काश्मीरला?
तिथे आधी इलेक्शन घ्या वन नेशन मध्ये, वहां इलेक्शन लीजिए आप जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में। वन नेशन वन इलेक्शनच्या आधी या देशामध्ये फेअर इलेक्शन व्हायला पाहिजे। भ्रष्ट इलेक्शन कमिशन या देशामध्ये ते काम करते है। हाँ, भ्रष्ट इलेक्शन कमिशन ये दूर केलं पाहिजे। भ्रष्ट इलेक्शन कमिशन दबावाखाली काम करणारे इलेक्शन कमिशन जोपर्यंत आहे तोपर्यंत या देशामध्ये फेअर इलेक्शन होणार नाही। त्याच्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन हे राजकीय फंड आहेत। आपण घाबरलेला आहात इंडिया आघाडीच्या या ताकदीला, आणि त्यातून तुम्हाला हे सगळं हा माथेफिरूपणातून सुचलेला आयडिया आहे। तो निवडणूक